नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। कोरोना संक्रमण हुआ बेकाबू, दुनिया भर में 14,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 30,99,000 से ज्यादा की मृत्यु, 12,40,00,000 लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ, 1,91,00,000 से ज्यादा मामले सक्रिय। देश में पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा नए मामले, 2,624 लोगों की मृत्यु, 2,20,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ, 25,00,000 से ज्यादा केस सक्रिय। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए केस, 348 मरीजों की मृत्यु, भारतीय सेना ने तैयार की 250 बेड की आईसीयू यूनिट। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई 25 मरीजों की मौत, 200 से ज्यादा मरीज भर्ती, अस्पताल प्रशासन ने मचा हड़कंप। आईपीएल 2021 का 18वां मुकाबला आज, राजस्थान और कोलकाता के बीच होगी टक्कर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच। राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ई संपत्ति कार्डों का वितरण का शुभारंभ, 4,00,000 से ज्यादा संपत्ति मालिकों को दिए गए ई संपत्ति कार्ड। देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस एनवी रमना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ, सीजेआई एसए बोबड़े की ली जगह। यूपी में बीते 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए कोविड केस दर्ज, 199 लोगों की मृत्यु, अकेले लखनऊ में 5,000 से ज्यादा मामले। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन के आदेश, बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी, आवश्यक सेवाओं को दी गई छूट। यूपी के एटा में कोरोना का कहर, कोरोना वायरस से 7 लोगों की मौत, कोरोना के 228 नए मामले आए सामने। 12 घंटे में ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से पहुंची वाराणसी, टैंकर में लाई गई 16 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू। यूपी के महोबा में वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने किया बाजारों का निरीक्षण, लोगों को दी सावधानी बरतने की हिदायत। यूपी के बलिया में पूर्व प्रधान के बेटे की करतूत, नशे की हालत में चलाई गोली, घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। यूपी में गोवर्धन थाना पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, मृतक के परिजनों की मदद के लिए आगे आए थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, मृतक की कराया अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 66,500 से ज्यादा मामले दर्ज, 773 लोगों की मृत्यु, 74,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ, कई जिलों में गहराया ऑक्सीजन का संकट। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर सुमना 2 में टूटा ग्लेशियर, 8 शव बरामद हुए, 384 लोगों को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एमपी में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना से निधन, पिछले 10 दिनों से अस्पताल में थी भर्ती, जोबट विधानसभा सीट से थी विधायक। ऑक्सीजन का संकट बना जानलेवा, अमृतसर के अस्पताल में 5 मरीजों की मृत्यु, ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है मौत की बड़ी वजह। एमपी के जबलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 खंभा में जुआ खेलते 21 लोगों को किया गिरफ्तार, 1,61,000 रुपए और 21 मोबाइल जब्त। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले, 64 लोगों की कोरोना से मृत्यु, अकेले जयपुर में 3,000 से ज्यादा केस। चिरंजीवी योजना को लेकर सीएम की अपील, शिक्षकों से लोगों को जागरूक करने की अपील, कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों का पंजीकरण करवाने का कार्य करें। विभाग की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइंस जारी, सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी डेयरी, सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी सब्जी मंडी, सभी सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। सीएम गहलोत ट्वीट कर लोगों से अपील करते हुए आए नजर, कहा कहीं भी जाएं मास्क लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल्स की पालना करें, 2 गज की दूरी रखें, बिना जरूरत घर से न निकले। कोरोना संक्रमण को लेकर डोटासा का केंद्र पर हमला, ऑक्सीजन आपूर्ति और टीकाकरण पर सरकार को घेरा, कहा केंद्र को सियासत करने से नहीं है फुर्सत। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन की कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने पर 3 दुकानें सील, बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे चालान।
जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारी लापरवाही, जनाना अस्पताल में वैक्सीन के लिए लोगों ने किया घंटों इंतजार, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ किया हंगामा। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर, जयपुर में बाजारों में पसरा सन्नाटा, सड़कों पर कम दिखाई दिए वाहन, पूरी तरह मुस्तैद प्रशासन। झालावाड़ के आवर में वीकेंड कर्फ्यू का असर, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रहे बाजार, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। जयपुर में मानसरोवर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन कंपनियों की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, दो छात्र बदमाश गिरफ्तार। कोटा के अस्पतालों में पिछले चार दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत, कोविड अस्पतालों में 1100 से ज्यादा मरीज भर्ती, बावजूद उसके नहीं हो पा रही ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई। कोटा के अनंतपुरा में दो युवकों पर फायरिंग, एक युवक की मौत, दूसरे का इलाज जारी, डीएसपी ने घटना का लिया जायजा, मामले की जांच जारी। राजसमंद के देवगढ़ में वैन और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। बाड़मेर के गुड़ामालानी में हाईवे पर टैंकर और ट्रेलर में भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग, हादसे में जिंदा जले दो व्यक्ति। बीकानेर की नोखा जेल से फरार चार बंदी, चढ़े पुलिस के हत्थे, एक अभी भी फरार, पुलिस की तलाश जारी। आयुर्वेद उपनिदेशक ने किया अकलेरा में आयुर्वेदिक अस्पतालों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, ग्रामीणों को दी सावधानी बरतने की हिदायत। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में रफ्तार का कहर, कार ने मारी युवक को टक्कर, हादसे में युवक की मौत, मौके से चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बारा के गिलवाड़ा में निर्माण कार्य के दौरान हो रहा घटिया सामग्री का इस्तेमाल, पेयजल टंकी के निर्माण में बाल मजदूर लिए जा रहे हैं काम, प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। अलवर के मुंडावर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने लूट की योजना बनाते तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई के दौरान दो बदमाश फरार। अलवर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी, कलेक्टर पहाड़िया की पत्नी ने लगवाई दूसरी डोज, चिकित्सा विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जालौर के रानीवाड़ा में करड़ा पुलिस की कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते युवक गिरफ्तार, 1 किलो 60 ग्राम अफीम का दूध बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी, नमस्कार।